हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं प्रवीण। और आज से हम साइप्रस में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तब भी आप एक आइडिया ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट को देख करके, किस तरीके से साइप्रस को सेटअप करते हैं और किस तरीके से साइप्रस पे काम करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले क्रिएट कर रहा हूँ एक नया प्रोजेक्ट। तो मैं एक न्यू विंडो खोल रहा हूँ वीएस कोड पे और मैं ओपन करूंगा एक फोल्डर। तो फोल्डर यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में। और मैं कर रहा हूँ साइप्रस प्रोजेक्ट, बल्कि नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब मुझे इस पे साइप्रस को मैं ओपन कर रहा हूँ अपना टर्मिनल और मुझे साइप्रस को यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं इसको बंद करता हूँ। ये है, मैंने से अभी अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर जो है वो ओपन किया हुआ है। अब मुझे साइप्रस को इंस्टॉल करना है। तो साइप्रस इंस्टॉल करने के लिए साइप्रस इंस्टॉलेशन पे जाएंगे आप npm पे और इंस्टॉलिंग साइप्रस सर्च कर सकते हैं। राइटली आपको कमांड मिल जाएगा ये सेव डेव, और इसको आप क्लिक करेंगे आपका, इसको कॉपी पेस्ट करना है आपको सिर्फ। ये है और ये कुछ देर में आपका साइप्रस को इंस्टॉल कर देगा। जब साइप्रस इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बन के चले आएंगे। उसके बाद आपको साइप्रस ओपन करना होगा फर्स्ट टाइम ताकि सेटअप करें, तब आपके कम्प्लीटली साइप्रस जितने भी फोल्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी क्रिएट इसके होने लगे हैं। अब साइप्रस का फोल्डर अभी इसका कम्प्लीटली क्रिएट नहीं होगा, इसके लिए आपको फर्स्ट टाइम साइप्रस ओपन करना होगा npm साइप्रस ओपन, तब जाके आपका कम्प्लीट सारा फोल्डर आपका सेटअप हो जाएगा। सो वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के लिए। सो बेसिकली इसमें जो प्रोजेक्ट है इसमें मैं 15 से 20 टेस्ट केसेस का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें हम सारे टेस्ट केसेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह इसमें हम बहुत सी चीज़ देखेंगे कि रिपोर्टिंग किस तरीके से क्रिएट होती है, रियल टाइम में किस तरीके से हम सूट को क्रिएट करते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, प्लस यहाँ पर आपका रिट्राई ऑप्शन वगैरह भी सब कुछ कम्प्लीट इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है वो सब कुछ हम इस प्रोजेक्ट में देखेंगे। सो वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ पर मेरा साइप्रस इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसमें कर रहा हूँ npx साइप्रस ओपन, अपना फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आपका साइप्रस ओपन होगा और बेसिक जो सेटिंग होती है वो हम करेंगे। तो जो जितने भी फोल्डर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अभी इसके अंदर सारे ही फोल्डर्स आपको नहीं ओपन हुए हैं, तो जैसे ही यहाँ पे मैं सारी सेटिंग्स कर देता हूँ वो सारे फोल्डर्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ओपन जब होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। ठीक है, अब यहाँ पे हम चूज करेंगे E2E टेस्टिंग। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सपोर्ट ये सब यहाँ पे दिखा रहा है, इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका साइप्रस का फोल्डर बैकग्राउंड में बन गया है आपके वीएस कोड में, और आपके जितनी भी चीज़ आपको चाहिए थी वो प्री डिफाइंड जितने भी फोल्डर्स आपके आते हैं सभी चीज़ें इसमें इंस्टॉल हो गई हैं। यहाँ देखिए दिखा रहा है इनिशियलाइजिंग का प्रोजेक्ट। आपको जो भी ब्राउजर चूज करना है वो आप चूज करेंगे। E2E टेस्टिंग का मतलब होता है एंड टू एंड टेस्टिंग, और मैं क्रोम को यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए ये ओपन हो गया है। अब आपका कंप्लीट जो साइप्रस का जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो चुका है, उसमें हमने इंस्टॉल कर लिया है, साइप्रस को ओपन कर लिया है, और अब आपका प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीटली रेडी है उस पर काम करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब भी ओपन होता है थोड़ा सा टाइम लेता ही। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे एडिंग स्पेक्स, ओके गॉट इट, और यहाँ पे आपके सारे खुल गए। ये प्री डिफाइंड पहले से ही कुछ टेस्ट केसेस यहाँ पे लिख के आपको दिए गए एज अ सैम्पल, कि आप उसे रन करके आप उसे देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रन करती हैं, और आपको कुछ आइडिया लेना हो किस तरह किस चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं तो उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प यहाँ पर हो जाती है। मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये साइप्रस को जैसे आप ओपन करते हैं आपके सामने बहुत सारे फोल्डर्स आपको मिलेंगे। मैं इसे वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये साइप्रस का फोल्डर है, ये डाउनलोड्स का फोल्डर है, डाउनलोड्स और एक्सप्लेन।
ये E2E जिसके अंदर हम अपना टेस्ट केसेस लिखेंगे, ये सैम्पल टेस्ट केसेस पहले से जब आप इंस्टॉल करते हैं तो लिखे होते हैं, तो लिखे आपको मिलते हैं सैम्पल, आप चाहें तो उसको भी ओपन करके आप पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा किस तरीके से टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन टाइप का है और देखिए बिफोर ईच लिखा हुआ है, इट ब्लॉक्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये मौका आपका फ्रेमवर्क है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, और चाहे एसर्शन को इस्तेमाल करेंगे एसर्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल एग्जांपल है और एडवांस एग्जांपल्स में यहाँ पर लिखा है, आपको नेटवर्क रिक्वेस्ट अगर आपको इसकी किस तरीके से हिट करनी है, किस तरीके से उसके अंदर चीज़ों को करते हैं, API आप जब हिट करते हैं, API ऑटोमेशन करते हैं, तो वो भी आप साइट पर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है किस किस तरीके से आप चीज़ों करते हैं, किस तरीके से क्वेरी पैरामीटर पास करते हैं, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर है एडवांस एग्जाम्पल। सो आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, चाहे तो इसे आप रिमूव कर दीजिए, मैं अभी के लिए इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए आपको दिखाई पड़े। एडवांस एग्जाम्पल भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप मेरा फोल्डर एम्प्टी है, इसके अंदर मैं टेस्ट केसेस लिखूंगा। ये पिक्चर्स है, पिक्चर्स के अंदर जैसे आपको कुछ पहले से कुछ कमांड्स वगैरह क्रिएट करनी है, ग्लोबल कमांड्स, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। सपोर्ट फाइल प्लगइन्स के लिए है, सपोर्ट्स के अंदर कमांड और JS है, कोई आप कस्टम कमांड्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो, और E2E में आपका ये बेसिकली एक इंडेक्स डॉट HTML फाइल की तरीके से प्रीवियसली इंडेक्स जो फाइल थी उसमें उसको कन्वर्ट किया है, और इसके अंदर आप प्लगइन्स वगैरह को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने कवर अप करी हैं। ये है आपका कॉन्फिग फाइल, कॉन्फिगरेशन फाइल, जिसके अंदर आप सारी सेटिंग्स अपनी करते हैं कि आपका व्यू पोर्ट कितना होगा, रिट्राई कितनी बार करना है, कितनी बार कौन सा बेस UI सेट करना है, तो वो सब चीज़ें हम कॉन्फिग फाइल में देखते हैं। ये पैकेज लॉन्ग JSON, जब कोई तो चीज़ हम इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो उसकी डिपेंडेंसीज वगैरह यहाँ पर आपको इसकी दिखाई पड़ती जाती है। ठीक है, ये पैकेज JSON, ठीक है, जब डिपेंडेंसीज वगैरह को इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते जाते हैं हमको मल्टीपल चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को ऐड करेंगे, तो और आपको धीरे धीरे आप सारे फोल्डर्स को काम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में हम स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग करेंगे हीरोकू ऐप से, हीरोकू ऐप। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 12-15 टेस्ट केसेस का होगा ये, और काफ़ी ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको इसमें मिलेंगे किस तरीके से रियल टाइम में काम होता है। तो इस वेबसाइट को हम काम करने जा रहे हैं, इस वेबसाइट के अंदर जो टेस्ट केसेस होंगे उसको हम पिक करेंगे। ठीक है, सो अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपना एक फोल्डर। सो मैं E2E में जाऊँगा और दो फोल्डर क्रिएट करूँगा, पहला पेजेस के नाम से जिसमें मैं अपने पेज के ऑब्जेक्ट्स डालूंगा, और दूसरा मैं बनाऊंगा फोल्डर अपने टेस्ट के लिए। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपका जो नाम है वो उससे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो एक नेमिंग कन्वेंशन होता है, उसके लिए स्टैंडर्ड जो है वो यही है कि पेजेस बना सकते हैं आप या ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं और उनके टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस नाम से रखते हैं। तो पेजेस फोल्डर के अंदर मेरे पेजेस के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और टेस्ट केस के अंदर मेरे टेस्ट लिखेंगे। तो मैं क्रिएट करता हूँ अपना पहला टेस्ट केस, तो मैं जा रहा हूँ हीरोकू ऐप पे और कोई भी एक चीज मैं पकड़ लेता हूँ, तो मैं यूज करता हूँ फाइल डाउनलोड। ठीक है, तो इसको मुझे लेट से ऑटोमेट करना है, मैं जैसे इस पे क्लिक किसी भी एक लिंक पर क्लिक करूंगा मेरी एक इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ये मेरा टेस्ट केस है जो मुझे ऑटोमेट करना है। सो मैं इस पे आऊंगा और टेस्ट के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा, मेरा ये क्या है फाइल डाउनलोड, तो मैं देता हूँ फाइल, सॉरी फाइल डाउनलोड डॉट CY डॉट JS। JS क्यों? क्योंकि हम JS इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्राइब, और इसके अंदर आप जो भी चीज़ वेरीफाई करा सकते हैं टेस्ट केस को वो, तो क्योंकि ये एक सूट बन रहा है, डिस्क्राइब के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो एक सूट कहलाती हैं। तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब में टू वेरीफाई द टेस्ट केसेस ऑफ डाउनलोड पेज। ठीक है, अब इसके अंदर ये सूट क्रिएट हो गया, इसके अंदर मैं जो
यूज करूंगा अपने इट ब्लॉक को, ये है मौका फ्रेमवर्क इसलिए। एक सेकेंड इंस्टेंस दे रहा है, तो मैं यहाँ पर साइप्रस को मैं इनेबल कर लेता हूँ, रेफरेंस साइप्रस, रेफरेंस साइप्रस, अभी भी नहीं दे रहा है, इसको रेफरेंस चाहिए बेसिकली साइप्रस का, इसलिए ये इस तरह से यूज आपका इट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे रेफरेंस जो लिखा था मैंने वो रॉन्ग था, ये बेसिकली रेफरेंस टाइप्स पर आपको लिखना पड़ेगा और ये जो है ये कोड्स के अंदर रहेगा। ठीक है, ये इनेबल यहाँ पर हो गया, अब आप इसमें यहाँ पे इट ब्लॉक इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए इट आ गया, क्यों? क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये मौका का पार्ट है इट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इट को यूज कर लीजिए, सॉरी मैं गलत, इट इम्पोर्ट कर लिया, इट को आप यूज करेंगे, इट पहला वाला। सो यहाँ पर अब आपको जो भी टेस्ट केस, ये सूट का हेडिंग हो गया और आपको उसके अंदर जो एक सूट, मान लीजिए आप एक लॉगिन पेज कर रहे हैं टेस्ट, तो आप डिस्क्राइब में लिख सकते हैं टू वेरीफाई द लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज के अंदर मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे कि आपका ये चेक करना कि आपका जो टेक्स्ट फील्ड है वो वहाँ पर शो हो रही है या नहीं हो रही है, पासवर्ड में पासवर्ड शो हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने लिमिट कैरेक्टर्स है, यूजर नेम में यूजर नेम जा रहे हैं कि पासवर्ड डालने से भी काम हो जा रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डालने के बाद जब आप सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो ही आपका टेस्ट केस इनेबल होना चाहिए, तो ही आपका नेक्स्ट पेज पे वो डाइवर्ट होना चाहिए। इस तरीके से मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं, तो आपका हेडिंग जो होगी वो होगी टू वेरीफाई द लॉगिन पेज और उसके अंदर के जितने भी सिनेरियोज हैं वो आप यहाँ पर एक ब्लॉक देखेंगे। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो टू वेरीफाई टू वेरीफाई यूजर इज एबल टू क्लिक ऑन टू क्लिक ऑन डायलॉग बॉक्स और टू क्लिक ऑन डाउनलोड डाउनलोड लिंक। ठीक है, यूजर डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर पा रहा है या नहीं क्लिक कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ मैं देता हूँ यूजर इज एबल टू डाउनलोड, यूजर इज एबल टू डाउनलोड फाइल, यूजर इज एबल डाउनलोड फाइल, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, cy.visit जिस भी आपको वेबसाइट पे करना है, जिस भी URL पे आपको हिट करना है, तो मेरा कंप्लीट URL ये होगा, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये अब ये क्या होगा, ये मेरा इस वेबसाइट पे लॉन्च हो जाएगा, अब ये मुझे इस वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मेरा एक टेस्ट केस लिख चुका है, अभी ये क्या करेगा, वेबसाइट को लॉन्च करेगा। इसको देखते हैं, ये है npx cypress open, प्रोसेस को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक फाइल आ रही है क्योंकि हमने सारी प्रीवियस फाइल रिमूव कर दी थी और यहाँ पर सिर्फ एक फाइल रखी थी। तो फाइल डाउनलोड पे जैसे मैंने क्लिक किया है, मैं टेस्ट के रन कर रहा है और ये लैंड करेगा heroku.app.com पर और लिंक को मतलब डाउनलोड जो मैंने पास किया था ये मेरा आ गया। अब मुझे क्या करना है, क्लिक करना है, तो मैं सिंपल इस पे जा सकता हूँ और मैं क्लिक करूंगा, ये मुझे दे देगा मेरा पहला। सेकेंड पे क्लिक करना है, क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा इसका पाथ यहाँ से आपको मिल जाएगा। लेट से मुझे पहले पे क्लिक करना है, मैं क्लिक किया तो कम्प्लीटली आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ये कम्प्लीट कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आपको बस ये करना है और डॉट क्लिक, बस हो गया। ठीक है, आप चाहे तो उस पर थोड़ा सा वेट दे सकते हैं, मैं रैंडमली 3 सेकंड का वेट दे रहा हूँ, 300 ms है मिली सेकेंड से। तो ये आप मैंने जैसे ही क्लिक किया सेव करूँगा या फाइल जो है वो ऑटोमेटिक रन करेगी और देखिए यहाँ पर डाउनलोड होने लगा, यानी कि मेरा टेस्ट केस पास और यहाँ पर ये दिखाएगा एक टेस्ट केस पास। अब देखिए क्या है, वेटिंग फॉर न्यू पेज टू लोड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका टेस्ट केस पास हो गया है। अभी इसको चलने देते हैं, ये पूरा कंप्लीट पेज लोड नहीं हुआ है। ठीक
तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये टेस्ट केस जो है आपका पास हो गया। सो आपका एक टेस्ट केस ये हो गया है। अब आप चाहें तो कुछ और भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ टू वेरीफाई डाउनलोडेबल लिंक शुड बी प्रेजेंट, यानी कि डाउनलोड करने की जो लिंक है वो वहां पर शो होना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं करके, ठीक है। तो डाउनलोड वाला लिंक का मतलब क्या होता है कि आपने वापस से वेबसाइट पे आप जाएंगे, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ, चलिए मैं इसको यहाँ पर भी ना लिख के आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपके मैंने पाथ लेना चाहा मान लिया सैंपल का, और ये क्लिक हो गया सैंपल टेक्स और ये इधर आ गया, ठीक है। अब मैं क्लिक किया डॉट शुड एग्जिस्ट, यानी कि ये जो लिंक है ये पूरे पेज पे होना चाहिए, ये जो पाथ है ये वहां पर एग्जिस्ट होना चाहिए। मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए मेरा एक टेस्ट केस यहाँ पास हो गया, मेरा पहला फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। अभी दूसरे टेस्ट केस के ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही, वेटिंग फॉर लोड पेज लोड। अच्छा ठीक है, ये पेज लोड का इवेंट दे रहा है, मैं देखता हूँ इसको अभी। हमें टेस्ट केस तो इतना ही लिखा था, ये यूजुअली दूसरे पेज को सर्च कर रहा है। देखिए आप दिखा रहे डाउनलोड हो चुका है फाइल, और यहाँ पर वेटिंग फॉर न्यू पेज लोड। मैं इसको देख लेता हूँ अभी कैसा क्यों हो रहा है। इसका पेज लोड टाइम भी ज्यादा है, तो मैं पेज लोड टाइम को भी रिड्यूस कर देता हूँ अभी। डिफॉल्ट पेज लोड टाइम आउट है, तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड टेस्ट केस पे चला गया है, और सेकंड टेस्ट केस में इसको फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये कोई यूआरएल हमने इसमें पास नहीं किया था, कोई भी यूआरएल हमारा इसमें नहीं गया था, इसलिए यहाँ पर टेस्ट केस जो है वो फेल हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर वापस से यूआरएल पास करना होगा, और यहाँ पर जो है मैं तो जैसे इसको सेव करता हूँ ये वापस से उसको चलेगा। मैं इस केस को टेम्परेली आपको स्किप कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे सेकेंड जो टेस्ट केस है वो तो मेरा चलेगा। देखिए वेरीफाई तुरंत पास हो गया, क्यों? क्योंकि ये यहाँ क्या मैंने एसर्ट लगाया एक्सपेक्ट, ये लिंक यहाँ पे ऐसा होना चाहिए टू एग्जिस्ट इन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे, ये चीज यहाँ पे जो आपके पास शो हो रही है इस पेज पर, यहाँ पर ये लिंक दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टेस्ट केसेस यहाँ पे ले सकते हैं। जितने भी इट ब्लॉग है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो इसलिए मुझे बार बार cy.visit यानी कि जो जिस भी वेबसाइट पे मुझे लैंड करना है वो मुझे बार बार वहां पर लिखनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप इसे ग्लोबली डिफाइन कर दें या फिर कोर में डिफाइन कर दें, ठीक है, या फिर आप इसका एक कंप्लीट फंक्शन बनाकर हम कमांड में डालकर इसको इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे एक आपने एक साइप्रस कंट्री डॉट पी एस में कुछ चेंजेस जो कि हमारे ग्लोबल सेटिंग्स होती हैं। तो हम जा रहे हैं साइप्रस डॉट कंट्री डॉट जी एस के अंदर। इसमें हम बेसिकली जो आपकी सेटिंग होती है आपके प्रोजेक्ट की उसको आप चेंजेस करते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट टाइम आउट। तो आपको जो डिफॉल्ट टाइम आउट है वो आपको सेट कर सकते हैं, कमांड टाइम आउट की जो आपका कमांड है वो कितनी देर में टाइम आउट होना चाहिए। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ 10 सेकेंड के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं पेज लोड टाइम आउट, पेज लोड टाइम आउट को भी मैं 10 सेकेंड कर दे रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे व्यू पोर्ट भी कर सकते हैं। तो व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है, जो आपकी स्क्रीन है उसकी हाइट कितनी होगी, मतलब जो आप चलाना चाहते हैं अपने स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे चलाएंगे तो उसकी हिसाब से आपको साइज देनी होगी, मतलब अपने स्क्रीन का लेंथ और हाइट आप सेट कर सकते हैं, हाइट और ब्रेथ। तो मैं यहाँ पर एक व्यू पोर्ट को एडजस्ट कर रहा हूँ, हाइट में रख रहा हूँ 600 और वेट जो है वो रख रहा हूँ 1000। मुझे वेब के लिए चेक करना है, इसलिए अगर मैं चाहूँ तो मोबाइल के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर ये चीज़ हो गई।
अब यहाँ पर ये हमारी नॉर्मल सेटिंग्स यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर आते हैं वापस से अपने प्रोजेक्ट में, और हमने देखा था कि दो हमने टेस्ट केसेस लिखे थे, एक डिस्क्राइब के अंदर एक सूट के अंदर हमारे दो टेस्ट केसेस थे, और दोनों के लिए मुझे बार बार cy.visit लिखना पड़ रहा था। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो जो भी चीज़ें कॉमन है और हम चाहते हैं कि ग्लोबली टेस्ट के लिए जाए, मान लीजिए अभी तो ये एक पेज पे है, मान लीजिए मल्टीपल पेज पे इस पे आए, तो आपको बार बार ये पेज लिखना होगा, राइट? और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना होगा, तो सारे पेजेस पे जाके आपको चेंज करना होगा। तो ये सही तरीका नहीं है, बेटर है कि आप किसी एक जगह पे उसे आप कॉल कर ले और उसके अकॉर्डिंगली वो चले, ठीक है? तो उसके लिए आपको जाना है अपने सपोर्ट फोल्डर पे, E2E पर, ठीक है? यहाँ पर आप अपना एक बिफोर कम कमांड को कर सकते हैं। बिफोर ईच हमारे पास है, बिफोर है, बिफोर ईच है, ठीक है? दोनों चीज़ों के डिस्क्रिप्शन मैंने दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी जगह से एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर चाहें तो उसे आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ बिफोर ईच। बिफोर ईच का मतलब होता है कि वो कितने भी हैं सबके से पहले चलेगा। बिफोर का मतलब इन सब से पहले ये चल जाए। अगर मैं सिर्फ यहाँ लिखता हूँ बिफोर, उसका मतलब है कि वो एक सूट सूट चलने से पहले ही चलेगा एक बार बस, और बाकी टेस्ट केसेस उसके अंदर चलेंगे। और अगर आप बिफोर ईच कर देते तो वो हर टेस्ट केसेस के पहले वो चलता है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ बिफोर ईच। और यहाँ पर बिफोर ईच में हम इस तरह से करेंगे कि एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है? ये हो गया। और इसके अंदर हम डाल देते हैं cy.visit को, ठीक है? मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, और मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है? अब मैं इसके यहाँ से भी इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है? अब क्या हुआ, देखिए मेरा कोड यहाँ पे थोड़ा सॉर्टेड हो गया। जो चीज़ मेरी कॉमन थी वो मैंने एक जगह लिख दिया, सिर्फ एक जगह लिखा, ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए अप्लीकेबल, यानी कि अब मैं चाहे जितनी भी फाइल खोलूँ, चाहे जितनी भी नई नई टेस्ट केसेस लिखूँ, नए नए फाइल क्रिएट करूँ, सबसे पहले कोई चीज़ चलेगी वो ये चलेगा, ये बिफोर चलेगा। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे करो एनटीएक्स साइप्रस ओपन, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैं साइपर ओपन हो चुका है, और मैं फाइल डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले तो दोनों टेस्ट केसेस में चलन करने चाहिए, और उससे पहले जो मैं लिखा है बिफोर ईच में वो चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चल रहा है, और सबसे पहले heroku-app.com को देखिए, इसने ओपन करके डाउनलोड कर, ठीक है? तो इस तरीके से मेरा जो फर्स्ट टेस्ट केस है वो मेरा स्किप है अभी भी। मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ, ये यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट टेस्ट केस है वो स्किप है, ठीक है? मैं इसको वापस से स्किप में हटाया और मैंने सेव किया। यहाँ से दो टेस्ट केसेस चलेंगे, तो सबसे पहले चलेगा बिफोर ईच, देखिए पेज खुल गया, और ये वापस जो जो भी हमें टेस्ट केस लिखा है वो करेगा उस चीज़ को, ठीक है? और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से डाउनलोड हो गया पेज, वेटिंग फॉर पेज, न्यू पेज लोड। मुझे यही फिक्स करना है कि क्या इशू आ रहा है, देख सकते हैं इसको, ठीक है? और उसके बाद सेकंड पे टेस्ट केस चला, और सबसे पहले मेरा चला ये। तो इस तरीके से देखिए मेरे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। ये एक इशू आ रहा है, इसको देख सकते हैं, टाइम आउट आफ्टर, ठीक है? यानी कि ये पेज कुछ है जो लोड नहीं हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं, ब्राउजर विल नॉट फायर द लोड, ठीक है? ठीक है, कोई इशू नहीं है इसका। लोड जो है वो पेज एक्चुअली लोड नहीं हो रहा है, न्यू जो पेज खुल रहा है वो लोड नहीं हो रहा है, दैट्स वाई वो यहाँ पर इशू क्रिएट कर रहा है। तो आपके दोनों टेस्ट केसेस यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, और जो चीज़ बिफोर ईच में लिखते हैं हम वो सबसे पहले चलती है। तो इसलिए यहाँ पर E2E में जो भी आप कमांड चाहते हैं कि वो आप एक सबसे पहले, ये बेसिकली एक E2E में से इंडेक्स फाइल होती है। अगर आप साइप्रस के प्रीवियस वर्जन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स के नाम से, इंडेक्स और जेएस नाम की फाइल थी, इसको चेंज किया है E2E में, एंड टू एंड में। तो ये बेसिकली सबसे पहले चलती है ये फाइल, और उसके बाद बाकी फाइल चलती है। तो आपको जो भी चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ कॉमन सिनेरियोज हैं, कुछ कॉमन चीज़ें जो आपके टेस्ट केस में चलनी चाहिए हर टेस्ट केस से पीछे, तो आप उसे आप बिफोर ईच या आफ्टर ईच में भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर यूज होता है। अब हम यहाँ पर ये तो टेस्ट केसेस और क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं, रिपोर्टिंग करनी है।
कर लेता हूँ। फाइल डाउनलोड हो गया है और मैं यहाँ से ऑथेंटिकेशन फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं इसमें से, देखते हैं जो इजी रहेगा वो ही देख लेते हैं ताकि आपको भी समझने में इजी हो, फिर उस पर हम डिफिकल्ट पे आगे जाएंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन सबसे हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन में आपका जो यूआरएल है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा कि मैंने जो यूआरएल डाला था वो यूआरएल डाला है था ये, तो सबसे पहले ये ओपन होगा, लेकिन ये यूआरएल डिफरेंट है ये इस यूआरएल से, तो इसके लिए यहाँ पर आपका बिफोर ईच काम नहीं आएगा। या तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि हीरोकू ऐप डॉट कॉम आप डाल दीजिए, आप ये कॉमन रख लीजिए, जैसे आपको मल्टीपल पेजेस पे काम करने हैं मल्टीपल पेजेस पे, तो यहाँ पर जो है आपको कॉमन यूआरएल ये है आपका, तो उस कॉमन यूआरएल को डाल दीजिए आप बिफोर ईच में और बाकी को आप ट्राई कर लीजिए। तो अभी के लिए टेस्ट केस देखते हैं और उसके बाद हम यूज करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक बार इस चीज को और करके, यहाँ पर हम कर रहे हैं ड्रॉप डाउन डॉट सी वाई डॉट जी एस। तो मैं रेफरेंस कॉपी कर रहा हूँ, इस P2E फाइल को क्लोज कर रहा हूँ और डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अपना नया सूट क्रिएट कर रहा हूँ इस पेज के लिए टू वेरीफाई दैट ड्रॉप डाउन पेजेस वर्किंग फाइन। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लॉक हम आते हैं वापस से और कह देते हैं वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। तो हमें चेक करना है कि यूजर जो है वो ड्रॉप डाउन में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर पाए, तो उसके लिए आप सिंपल सा है सीवाई डॉट विजिट वहां पे चलेगा, लेकिन आपका ड्रॉप यहाँ पर जो वो है यूआरएल है वो डिफरेंट है, उसका तरीका है एक ओरिजिन यूज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में। अभी एक सिंपल चीज और देखिए, तो यहाँ पे हम कॉमन इसे यूज कर रहे हैं क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है, बट ये है कि अगर आपको बहुत डिफिकल्ट चीज बता देंगे स्टार्टिंग में तो आप नहीं कर पाओगे उस चीज को, धीरे धीरे बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही डिफिकल्ट चीजों पर हम मूव ऑन हो सकते हैं। ये हो गया, अब यहाँ पर जो भी आपको टेस्ट केस लिखना है आप यहाँ ले दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर बैक करता हूँ या मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और वापस से खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दो ऑप्शन आके ड्रॉप डाउन और फाइल डाउनलोड, तो ये जो सीक्वेंस है ये भी देखिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस क्रिएट होता है, मतलब टॉप डाउन का डी पहले आता है इससे डी पहले, एफ बाद में आता है इससे बाद में, तो जो भी चीजें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही चलेंगी इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया, तो ये सबसे पहले उस पेज को ओपन करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसने ओपन तो किया था हीरोकू ऐप डाउनलोड को, उसने ओपन किया सबसे पहले, लेकिन उसके बाद मैंने एक और यूआरएल को उसको दिया था, तो पहले उसने ड्रॉप डाउन उसने डाउनलोड जो बिफोर रीच वाला यूआरएल है उसने उसको ओपन किया, और उसके बाद जो टेस्ट केस के अंदर आया तो उसने दूसरे यूआरएल को ओपन किया, क्योंकि मैंने दिया था कि आप इसमें जाओ ड्रॉप डाउन करने जाओ। अब आप इसको आप इजिली कर सकते हैं ऑटोमेट, आप इस पर क्लिक कर लीजिए ड्रॉप डाउन हो गया, जब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये ड्रॉप डाउन आपका खुल जाएगा, इस पे आप क्लिक करें तो ये आपका हट गया। अब इसके अंदर आप जो चूज करना चाहते हो चूज कर सकते हैं, तो उसको टेस्ट केस को एक बार कर लेते हैं ड्रॉप डाउन डॉट क्लिक। ठीक है, और उसके बाद जो भी ऑप्शन है हमारे पास इसमें उसको हम ओपन कर लेते हैं और फिर इस पे जाएंगे। आप सेलेक्ट का ऑप्शन है इसमें, तो चलिए इसको अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी ऑटोमेट आप कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन है,
और ये सिलेक्ट के अंदर आता है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो आप जो भी आप चाहें वो आप इसको चूज यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं कि ड्रॉप डाउन शुड एग्जिस्ट, तो ड्रॉप डाउन शुड एग्जिस्ट ये कर लेते हैं, शुड एग्जिस्ट यानी कि ड्रॉप डाउन जो है वो शो होना चाहिए पेज पर। एक टेस्ट केस ये हो गया, तो टेस्ट केस बना लेते हैं। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर कि ड्रॉप डाउन शुड वर्क, वेरीफाई दैट ड्रॉप डाउन शुड बी प्रेजेंट, ड्रॉप डाउन शुड बी प्रेजेंट ऑन द पेज। ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्लिक करा रहे हैं, हमें करना है क्लिक उसके ऊपर, यहाँ पे करना है सिलेक्ट। इसके लिए इस पे आते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, इसका एलिमेंट आईडी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये है इस तरह से सेलेक्ट ऑप्शन, ये है ये बना हुआ है सेलेक्ट से। इसमें ऑप्शन वन है ऑप्शन टू है, ऑप्शन वन ऑप्शन टू, और इसकी जो वैल्यू है वो आप वन और टू के नाम से, तो आप किसी भी तरीके से चाहे आप टेस्ट के बेसिस पे ले लें चाहे आप वैल्यू के बेसिस पे ले लें। ये सेलेक्ट का है तो बहुत इजी है करना इसको, तो इसके लिए हम वापस से जाएंगे और ये हमारा इसका आईडी था जिसके थ्रू हम ड्रॉप डाउन को यूज कर पा रहे थे। अब यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट, क्योंकि ये सेलेक्ट का बना हुआ है। ठीक है, वन वन इसकी दो वैल्यूज थी, एक वन है और टू है, तो अगर वन करेंगे तो ऑप्शन वन चूज हो जाएगा और टू करेंगे तो ऑप्शन टू। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर सेव करके चलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए पहला चल गया और दूसरा चूज हो गया, राइट। तो देखिए यहाँ पर दोनों टेस्ट के समय पास हो गए और ऑप्शन वन चूज हो गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट टू, क्योंकि ये ले रहा है उसके वैल्यू के बेसिस पर, तो ये ऑप्शन टू उसका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइप्रस में चीजों को ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन टू सेट हो गया, तो इस तरीके से आप साइप्रस में चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। हमारे पर यहाँ पर टोटल दो टेस्ट केसेस हो चुके हैं। ठीक है, टेस्ट केसेस और यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट। देखते हैं कि क्या क्या चीजें ऑटोमेट और कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा है। फॉर्म ऑथेंटिकेशन है, इसे कर लेते हैं। इसमें यूजर नेम टॉम स्मिथ है एंड सुपर सीक्रेट फॉर पासवर्ड, तो इसको लॉगिन करते हैं, इसको ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग साइप्रस। तो मैं एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ, लॉगिन ऑथेंटिकेशन के नाम से, .cy.js, और सेम चीज यहाँ पर रेफरेंस हम कैप्चर करेंगे और यहाँ पर डिस्क्राइब ब्लॉक लिख रहे हैं और मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ चीजें। परफेक्ट, और इसके अंदर कुछ इट ब्लॉक्स में एक दो टेस्ट केसेस लिख देते हैं और वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू लॉग इन आफ्टर एंटरिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। परफेक्ट, यहाँ पर ओके। हमारा जो सीवाई डॉट विजिट में हमें ये करना होगा और सीवाई डॉट विजिट, बस अब इस टेस्ट केस को हम सेव कर देते हैं और इसको रन करते हैं ताकि हम वहां से इसका पाथ निकाल सके और हमें इजीली हम उसको ऑटोमेट कर पाए। मैं बंद कर दिया है, दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। अब मेरे पास तीन टेस्ट केसेस तीन पेजेस शो करेंगे मेरे, लॉगिन ऑथेंटिकेशन ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन करेगा सबसे पहले बिफोर ऑल वाला और उसके बाद ये ओपन करेगा हीरोकू डाउनलोड्स के बाद सीधा ये आ गया इसके ऊपर लॉगिन पेज। यहाँ पे हमें यूजर नेम पासवर्ड टाइप करना है, तो
तो इसको मैं चूज किया, यूजर नेम का आ गया, मैंने किया क्लिक, ठीक है। और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वेट 3 सेकंड का, ताकि आपको समझ में आए। ये सिंपल एक स्टैटिक वेट है, और टाइप करना है। जब भी कुछ हम टाइप करना चाहते हैं तो वहां पर कुछ लिखना है तो उसे टाइप कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे टॉम स्मिथ यूजर नेम है, तो यूजर नेम लिख देते हैं टॉम स्मिथ, और पासवर्ड के लिए फिर से क्लिक करता हूँ उसके ऊपर, मुझे मिल जाएगा पासवर्ड। तो टाइप, पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, और पासवर्ड है मेरा सीक्रेट सुपर स्टार, जो भी है ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक्सप्लेनेटरी साइन भी है इसमें, तो यहाँ से ये कॉपी में कर लिया और ये इधर हो गया। अब मुझे चाहिए इसका लॉगिन वाला, तो लॉगिन के लिए भी ये बटन है लॉगिन का, रेडियस से कॉपी किया और पेस्ट किया, और डॉट क्लिक, इस पे मुझे क्लिक करवाना है। तो ये इस तरह से, अब मैं इसे सेव करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये लॉगिन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यूजर नेम तो बिल्कुल सही सही यूजर नेम एंटर किया, 3 सेकंड का पॉज लिया, फिर यूजर नेम लिया, एंटर किया और उसको पासवर्ड एंटर किया और सबमिट किया, और आपका लॉगिन ये टेस्ट केस हमारा चल रहा है। अब एक दो टेस्ट केसेस और कर लेते हैं। हीरोकू ऐप पे जाएंगे और देखेंगे, आप किसी भी वेबसाइट को ले सकते हैं, ये सिर्फ एक सैम्पल मैं टेस्ट केसेस आपको लिख के दे रहा हूँ। और यहाँ पर कर लेते हैं फाइल अपलोड, ठीक है फाइल अपलोड कर लेते हैं। तो फाइल अपलोड में क्या है कि एक आपको डेस्टिनेशन फाइल की देनी पड़ेगी, तो डेस्टिनेशन फाइल की दे देते हैं, और यहाँ पर इसको इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है आसान है ऐसे, आपको क्लिक करना है इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। तो फाइल अपलोड करते हैं, मैं नया फाइल बना रहा हूँ, फाइल अपलोड, फाइल अंडरस्कोर अपलोड डॉट सी वाई डॉट जे एस, सेम चीज कॉपी पेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ से इट ब्लॉक को भी कॉपी कर रहा हूँ, ताकि मुझे लिखना ना पड़े, हालांकि लिखना इज अ गुड प्रैक्टिस, तो हमेशा लिखना चाहिए ताकि इजी रहे और आपको समझ में आए। लिखने से आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं, क्योंकि तो आपको रियल टाइम में कोड लिखना ही पड़ता है। ठीक है, वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू अपलोड फाइल, अपलोड फाइल, ठीक है। सी वाई डॉट विजिट में मैंने कर दिया ये, परफेक्ट, और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। तो अभी के लिए सिर्फ मैंने दिया है कि वो वेबसाइट विजिट करें, इसे मैं क्लोज करता हूँ, या बैक भी कर सकते हैं आप। और यहाँ से फाइल अपलोड, क्लिक किया, यहाँ पर मेरा खुल गया, ठीक है। अब मैं इस पे, मुझे चाहिए कि यहाँ पर मैं क्लिक करूँ और चूज फाइल करूँ, तो मैं सी वाई डॉट टाइप करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हमें पाथ देना होगा, जो भी पाथ हमें चाहिए, जो भी फाइल अपलोड करी उसका पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर मुझे अपलोड फाइल पे क्लिक कराना है, तो इसका ले लेते हैं फाइल डॉट सबमिट, और ये क्लिक का इस पे क्लिक करा दिया, परफेक्ट। तो यहाँ पर मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा, जो भी मेरा पाथ है, तो मैं डेस्कटॉप की कोई इमेज उठा लेता हूँ, या डेस्कटॉप पर कुछ भी एक पाथ कॉपी कर लेते हैं। चलिए एक चैट जीपीटी की इमेज है मेरे पास, तो मैं इसका ही कॉपी पाथ कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे देखता हूँ ये ले रहा है या फिर नहीं। इसको इस तरीके से आपको यहाँ पर ये डिलीट करना पड़ेगा, इसका जो स्लैश है उसको चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं कि ये करता है या नहीं। इसको ये हटा देंगे यहाँ से, इन्वर्टेड कॉमास,
और लेट्स से कि ये वर्क करता है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि नो फाइल चूजिंग, यानी कोई फाइल इसने चूज नहीं करी, यानी कि हमारा जो पाथ है वो थोड़ा सा रहते हैं। फेल टू द सेट द वैल्यू प्रॉपरली टू एचटीएमएल दिस इनपुट फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पर हमारा फाइल पाथ का इशू यहाँ पे आया, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। सो टाइप यहाँ पे नहीं ले रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। डॉट सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं। परफेक्ट, तो फाइल अपलोडेड हो चुकी है। यहाँ पर आपका टाइप नहीं लेगा, बल्कि वो सिलेक्ट फाइल लेता है। टाइप सेलेनियम में लेता है, जब सेलेनियम में आप किसी फाइल को अपलोड करते हैं तो आप सेंड कीज में उस फाइल का पाथ देते हैं और वो चीज वहां पर अपलोड हो जाती है। सेम चीज साइप्रस में नहीं होती है, साइप्रस में आपको यूज करना पड़ता है डॉट सेलेक्ट फाइल और उसके अंदर आपको पाथ देना पड़ेगा एक प्रॉपर आपके फाइल का, उसके बाद फाइल अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, एक जो है टेस्ट और देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट अलर्ट का देख लेते हैं। ठीक है, सो मैं फटाफट से एक और बना लेता हूँ, अलर्ट जावास्क्रिप्ट अलर्ट डॉट सी वाई डॉट जे एस, और यहाँ पर रेफरेंस और मैं इसको पूरा कॉपी कर रहा हूं और ये इस तरीके से हो गया। अब यहां पर मैं कर लेता हूँ चेंज, तो इफ आई द जावा स्क्रिप्ट पेज, जावा स्क्रिप्ट अलर्ट जेएस अलर्ट्स इज वर्किंग फाइन। ठीक है, क्लिक ऑन अलर्ट्स, दे इज एबल टू हैंडल अलर्ट्स, able to handle alerts। ठीक है, और मैं यहाँ पर इनको हटा देता हूँ और विजिट पे हम डाल देते हैं अपना अलर्ट्स का पेज और फिर देखते हैं इसको। ठीक मैं इसको सेव करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और वापस से इसको ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वो अलर्ट्स मैंने ओपन किया, ठीक है, ये मेरा ओपन हो चुका है। अब मुझे वन बाय वन अलर्ट्स पे क्लिक करना है, तो मैं क्लिक करता हूँ इस पे। यहाँ पर ये इसका पाथ है, तो मैंने क्लिक किया ये और देखते हैं होता है नहीं होता है। तो डॉट क्लिक किया। अब यहाँ पर एक चीज होती है, साइप्रस में बेसिकली विंडोज का अलर्ट को आप ऑटोमेट करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन है cy डॉट ऑन, और यहाँ पे आता है विंडोज अलर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से विंडोज अलर्ट, विंडोज कंफर्म, ये इस तरीके से आप चीजों को यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको करके, विंडोज अलर्ट नाम का किया और पहले इसको देखते हैं कि क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखते हैं पहले कि क्या ये फाइल ओपन अलर्ट को ओपन कर रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए ये पहला जो है वो यूज सक्सेसफुली क्लिक है अलर्ट, तो पहला वाला जो था आपका, ये आपका सिंपल अलर्ट आपको क्लिक करना था, ये तो आपका ठीक चल रहा है। अब मुझे करना है एक और टेस्ट केस, दूसरे वाले का, दूसरे वाला क्या है, क्लिक फॉर जीएस कंफर्म, इज एबल टू क्लिक ऑन जीएस कंफर्म, जीएस कंफर्म। ठीक है, और ये सेकंड बटन है, तो चाइल्ड टू ले लिया मैंने और डॉट क्लिक
है, अब इसको रन करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये चल रहा है, और यहाँ पर इसका फंक्शनैलिटी पर देखते हैं, फंक्शनैलिटी कैसी। अच्छा ओके, तो यहाँ पर फंक्शनैलिटी थी ओके या फिर कैसे करने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओके करना है या फिर कैसे करना है, दो ऑप्शन मिलते हैं। और पहले वाले का था सिंपल IMPS अलर्ट ओके, ठीक है ओके किया, और यहाँ पर JS प्रॉम्प्ट में आपको एंटर करना था। तो इस तरह से आप कंफर्मेशन यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये है विंडोज कंफर्म, आपको यूज करना है विंडोज CY डॉट विंडोज कंफर्म। और यहाँ पर आप एक कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, W ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ पर assert लगा सकते हैं। ये हमने फंक्शन डाल लिया विंडोज कंफर्मेशन के लिए, यानी कंफर्म कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ assert लगाना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेक्ट W किसी भी वेरिएबल है टू इक्वल, ये क्या है, शाय assertion है, सी देखिए दिखा रहा है ना, सी एच आई शाय assertion आप यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर दिखा रहा है आई एम क्या है, टेक्स्ट क्या है, आई एम जे एस कन्फर्म, आई एम जे एस कन्फर्म। इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं और देखते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं, ये वर्क करता है या नहीं, ये देखते हैं। अगर एसेशन है पास होता है तो इसका मतलब वो सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, देखिए assertion लगा था से सही। अगर assertion में कुछ और हम यहाँ पे लिख देते, से मान लीजिए मैं कहता हूँ आई एम अलर्ट डॉग, आई एम JS लिख देता हूँ मैं, और फिर अगर ये इसको रन करते हैं, अगर ये पास नहीं होता है इसका मतलब हमारा assertion सही चल रहा है, अगर पास होता है इसका मतलब ये गलत चल रहा है। देखिए यहाँ पे assertion फेल दे दिया, यहाँ पे लिखा रहा है कि आपका assertion एक्सपेक्टेड ये है बट मिला कुछ और। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप टेस्ट केसेस को और भी अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल और बहुत सी सैंपल लिया है, मैंने अलर्ट के लिए मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो है, आप उसे चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में अलर्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 टेस्ट केसेस क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अगर अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि मैं इसको करता हूँ NPX साइप्रस रन, तो साइप्रस ओपन और साइप्रस रन में क्या डिफरेंस है, साइप्रस ओपन जो होता है वो हेडेड ब्राउजर है और साइप्रस रन जो है वो हेडलेस ब्राउजर है। ठीक है, अगर मैं साइप्रस रन करता हूँ तो ये वन बाय वन सारे ही टेस्ट केसेस को रन करेगा और जो भी रिजल्ट हमारे सामने होगा उसको दिखाएगा। इसमें कुछ इशू दिखा रहा है, MPX साइप्रस ठीक है रन कर रहा है, वो साइकिल स्पेलिंग मिस्टेक था। ठीक है, देखिए ये बेसिकली साइप्रस का वर्जन शो करेगा, ब्राउजर कौन सा यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ब्राउजर यूज कर रहा है, नोड का वर्जन कौन सा है, स्पेक्स फाइल कौन कौन सी, स्पेक्स फाइल का मतलब होता है ये टेस्ट केसेस है वो कौन कौन से मिल रहे हैं, और वो उस एक एक को रन करके देखेगा कौन सा टेस्ट केसेस पास है कौन कौन सा फेल है, या आपको सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से दिखाएगा। यहाँ पर टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, लेकिन दो टेस्ट केसेस दोनों पास हो गए। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो टेस्ट केसेस आपके चल रहे हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, यानी कि अगर डी सबसे पहले डी चलेगा, फिर एफ चलेगा, फिर जे चलेगा, फिर एल चलेगा, इस तरीके से आपका चलेगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी फाइल्स जिस सिक्वेंस में उसे मिलती जाएगी वो चलेगा। आप मान लीजिए इसी फाइल को आपको किसी सीक्वेंस में चलाना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि पहले फाइल अपलोड चले, फिर जावा स्क्रिप्ट चले, या पहले आपका लॉगिन ऑथेंटिकेशन चले, उसके बाद एक सीक्वेंस आपको खुद से क्रिएट करनी हो, तो वहां पर वो किस तरीके से करेंगे।
तो वो भी हम इस वीडियो में आके देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेस्ट केसेस आपके सारे रन हो चुके हैं। टोटली आपके 8 टेस्ट केसेस हैं, जिसमें 6 पास हुए हैं, 2 टेस्ट केस फेल हुए हैं, और फाइल डाउनलोड में आपका 2 टेस्ट केसेस फेल हुआ है। तो फाइल डाउनलोड को आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल डाउनलोड में क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, फाइल डाउनलोड में हमने कुछ चेंजेस किया होगा जिसकी वजह से फाइल डाउनलोड फेल हुआ है। यहाँ पे टोटल आप अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो प्रॉपरली आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से कितना टाइम लगा है, कितना क्या क्या चीज़ें आपको टेस्ट केस पास हुए, कितने पेंडिंग हैं, कितने स्किप है, कितने स्क्रीन शॉट हैं, कितने वीडियोस मिल चुके हैं, वो सब कुछ यहाँ से आपको इस तरीके से यहाँ पर इसे मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं रिपोर्टिंग और उसके बाद इसको फिक्स करते हैं। तो मोका ऑसम रिपोर्ट जनरेटर को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा एचटीएमएल रिपोर्ट जनरेट हो, और उसके बाद हम यूज करते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो मोका ऑसम रिपोर्ट जनरेटर को यूज करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने गूगल पे और वहां पर लिखेंगे मोका ऑसम रिपोर्ट एक्सेस रिपोर्ट। यहाँ पे मुझे npm फाइल मिलेगी ये, और इसको जो गाइडेंस दिया होगा इसमें वो चीजें हम यहाँ पर करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इंस्टॉल करना होगा ये, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर और इसको पेस्ट करेंगे और ये इंस्टॉल हो गया है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम इसकी और भी चीज़ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी है, कौन सी फाइल को कहाँ डालना है, कैसे किस किस तरीके से रखना है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाएगा। देखिए चेंज साइप्रस सेटअप बुक्स एडिट कॉन्फिग फाइल साइप्रस कॉन्फिग बाय डिफॉल्ट इसमें आपको ये चेंज करने होंगे। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो सपोर्ट E2S के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको ये रजिस्टर मोका ऑसम रिपोर्टर। तो हम इसको कर लेते हैं, हम जाएंगे अपने इसके अंदर और देखिए यहाँ पे नीचे ये हो रहा है इंपोर्ट। ठीक है, हमने इसको भी कर लिया। प्लस यहाँ पर आप चाहेंगे इस तरीके से अपने इसको भी आपको करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को खोलेंगे हम। ठीक है, नीचे डाउनलोड हो रहा है मोका ऑसम और हम यहाँ पर इसके फाइल को ले लेते हैं रिपोर्ट ऑप्शन और E2S पूरा ले लेते हैं इसको। ठीक है, मॉड्यूल स्पोर्ट हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, सही हो गया हमारा, यहाँ पे कॉमा रहेगा और हमें E2E के अंदर भी अपना एक वायर सेटअप लॉगिन करना पड़ेगा। और बस ठीक है, इतना ही है और भी चीज़ देख लेते हैं अगर हमारा हमें जरूरत पड़ रही है तो, टाइम से कुछ मिस हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, कौन कौन सी वैल्यूज आपको ऑफ करनी, पॉज करनी, कौन कौन सी ट्रू करनी है, वो चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रिपोर्ट चार्ट, अगर आपको चार्ट के रूप में रिपोर्ट चाहिए तो क्यों रखिए, रिपोर्ट पेज टाइटल कस्टम टाइटल से कोई भी टाइटल आप रख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं नाम आपके रिपोर्ट का वो नाम ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर चाहते हैं तो ट्रू करिए वरना पॉज कर दीजिए। इनलाइन एसेट्स आपको चाहिए ट्रू कीजिए वरना पॉज कीजिए। अटेम्प्ट सेव करना चाहते हैं ट्रू
ट्रू करिए वरना पॉज कर दीजिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से इसके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे तरीके से इसलिए मिल जाएगी, अपने अकॉर्डिंगली इसे आप यूज कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट जितना लिया हुआ उतने में ही आपका काम इजी चल जाता है। सो बस यहाँ पर हो चुका है सेव, और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये हमारा बनाता है यानी कस्टम टाइटल के रूप में है, और हमारे पास ठीक है, और यहाँ पे एक रिपोर्टर मौका ऑसम रिपोर्ट लिखेगा। अब इसको हम फिर से करते हैं साइप्रस रन, क्योंकि अब ये जो रिपोर्ट जनरेट करेगा वो हमारा करेगा मौका ऑसम रिपोर्ट जनरेशन के रूप में, और वेट करते हैं इसकी रिपोर्ट का। जैसे करेंगे यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर आपका फाइल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है, आपका टेस्ट भी क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर एक फाइल आ चुकी है index.html। तो इस पर आप जब राइट क्लिक करके इसे ओपन करेंगे ओपन रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो ये आपको यहाँ पर आपका कंप्लीट टेस्ट केस दिखाएगा क्या क्या चीज़ें टेस्ट केस में हुई हैं। इस आपको मैं मतलब करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर आपको एक HTML रिपोर्ट इसने क्रिएट करके दी हुई है। इसमें दिखा रहा है कि टोटल कितने 5 सूट्स हैं, ठीक है, 8 टेस्ट केसेस हैं, 6 पास हुए हैं, 2 फेल हुए हैं। कौन से फेल हुए? यहाँ फेल हुए, क्यों फेल हुए? क्योंकि assertion यहाँ पर जो लगा था वो यहाँ पर फेल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सारे टेस्ट केसेस आपके पास हैं। आप इस साइप्रस में यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे 100 पास रिजल्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ फेल टेस्ट केसेस देखने हैं, आपको सिर्फ पास टेस्ट केसेस देखने हैं, अगर कोई टेस्ट केस स्किप भी होता है तो भी वो यहाँ पर आपको दिखाता है। तो इस तरीके से ये HTML रिपोर्ट आप जेंकिंस की जॉब के थ्रू आप इजीली अपने टीम में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आपका सेट हो चुका है, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो सब हो चुकी है। इसके अंदर एक फोल्डर है वीडियो का फोल्डर, तो इसको क्लिक करते तो आप देखेंगे कि सारा जो वीडियोज है वो रिकॉर्ड हो चुका है। आप इसको रिवील करें, आप चाहे तो इस फोल्डर को ओपन कर लें या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से प्ले कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से देखो, यहाँ से फोकस आप ओपन करके देख सकते हैं, वो पूरा यूआई आपका दिखाएगा, और जो भी टेस्ट केस फेल होता है उसके उसके अंदर आपका वीडियो भी रिकॉर्ड होता है, प्लस आपका स्क्रीन शॉट भी खींच के देता है। तो मौका ऑसम रिपोर्टर आपको सब कुछ करता है, बस आपको इंस्टॉल करना है और कुछ चीज़ें साइप्रस कॉन्फिग फाइल में और e2e.js फाइल के अंदर आपको डालनी है, वो बाकी सारा काम आपको यहाँ पे करके देता है। तो कम्प्लीटली वीडियो के साथ सारी स्क्रीन शॉट्स सब को रिकॉर्ड करके आपको एक कम्बाइंड index.html देता है, जिसको आप अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप अपनी रिपोर्ट को शेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि टेस्ट केस हमारा जो है वो फेल क्यों हो रहा है। तो npx साइप्रस ओपन करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो हमारा डाउनलोड्स है वो उसके टेस्ट केसेस फेल क्यों हो रहा है। क्लिक करते हैं डाउनलोड्स पे और चेक करते हैं कि आपकी टेस्ट केस फेल क्यों हो रहा है। ओके, यहाँ पे अगर देखें तो जो हमने फाइल्स चूज की थी वो इस लोकेशन पे अवेलेबल ही नहीं है, और इसलिए यहाँ पर ये फेल शो कर रहा है। एक बार मैं इसको देखता हूँ कि क्या सच में ये इस पेज पे हट गई है क्या लोकेशन पे सारी फाइल्स। तो फाइल डाउनलोड पे, हाँ बिल्कुल, ये जो फाइल्स है वो हट चुकी हैं
माइट बी इसकी जो ओनर है इसका, उसने हटा दिया है, तो इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा से इसको कर लेते हैं। तो मैं ये था 5 AM वाला, और डाउनलोड्स में जाते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर रन करते हैं। अब ये था आपके सब टेस्ट केसेस यहाँ पर पास होने चाहिए। तो अब जितने भी 8-9 टेस्ट केसेस हमने ऑटोमेट किए हैं वो सभी पास हो जाएंगे। ठीक है, आप एसर्शन का एरर कोई नहीं देगा, बस यहाँ पर पेज लोड का एरर आ रहा होगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। क्या है, टाइम आउट आफ्टर वेटिंग 10,000 ms फॉर रिमोट लोड, रिमोट पेज टू लोड। यहाँ पे कुछ पेज में ही कुछ इशू लग रहा है, क्योंकि तो मैं जो टास्क इसको दिया था वो कर रहा है कि पेज को डाउन पेज पे जाना है, क्लिक करना है लिंक पर, वो उसे कर रहा है। उसके बाद फिर ये कुछ फेल हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं इसको कि क्या प्रॉब्लम है। एक बार टैब पे जाते हैं अपने, और मैं पेज को वापस से लोड कर देता हूँ। हो सकता है कुछ APIs वगैरह है जो फेल हो रही है, और यस कुछ APIs है जो यहाँ पर फेल दिखा रही है, एरर MT और इस टाइप की चीज़ें। तो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से ये पेज को प्रॉपरली लोड नहीं कर रहा है, और इसलिए वो यहाँ पर फेल दिखा रहा है। तो कंप्लीट जो पेज है वो लोड ना होने की वजह से यहाँ पर ये आपको इशू दिखा रहा है, एक टेस्ट केस जो है हमारा है वो फेल हो रहा है। तो मैं इसके लिए इसको चेंज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको भी एग्जिस्ट के ही कर लेता हूँ। इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, और एग्जिस्ट को भी क्लिक कराने पर ये कुछ इवेंट्स है जो फायर करता है, और ये फायर जो है नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो पेज लोड उसका कम्प्लीटली नहीं हो रहा है। तो मैं इसे भी कर लेता हूँ कि ये भी एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। तो मैंने दो टेस्ट केसेस यहाँ पे लिखे हैं सेम टाइप के, क्योंकि तो कुछ प्रॉब्लम पेज पे ही है। अब इसको सेव करके देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सूट कम्प्लीट हो चुका है, हमारे एस्टिमेट रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, और ये टेस्ट केसेस का हमने 5 टेस्ट केसेस पेजेस पे टेस्ट केसेस बनाए हैं, और इस पे जो है आपका अलग अलग टाइप के टेस्ट केसेस भी हमने यूज़ किए हुए हैं। और डीप टेस्ट केसेस के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट उसको आप फॉलो कर सकते हो, उसमें मैंने हर एक टेस्ट केस को प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। इसमें हम प्रॉपरली एक सूट बनाना सीख रहे हैं जैसे इंडस्ट्री में काम होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी जो ये टेस्ट केसेस चल रहे हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, अगर मान लीजिए मुझे इसे एक सीक्वेंस में चलाना है तो वो हम कैसे चलाएंगे? तो उसके लिए हम इसे नंबर दे सकते हैं 1, 2, 3 करके या 0, 1 करके। तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, 0, 1 सेव कर लिया, 0, 2 सेव कर लिया। तो इस तरह से जो भी मैं सीक्वेंस यहाँ पे दे दूंगा अब ये नंबर के सीक्वेंस से चलेगा। ठीक है, अब ये नंबर के सीक्वेंस चलेगा, जो भी नंबर 1 है वो नंबर 1 पे चलेगा, और जो भी नंबर 2 पे है वो 2 पे चलेगा। अब अगर मान लीजिए कुछ फाइल्स पे नंबर लिखे हैं कुछ पे नहीं, तो वो कैसे चलेंगे? पहले नंबर चलेंगे, और उसके बाद जो जो फाइल्स आएंगी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाते हैं आप, तो आप चाहेंगे कि पेज वाइज चले, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि आप चाहें कि वो एक सीक्वेंस में टेस्ट केसेस रन कर रहे हों, तो उसके लिए यहाँ पर आप इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं रन करता हूँ तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन चलेगा, नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, ये एक ट्रिक थी जो आपको जाननी जरूरी है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की। ये मैं आपको लास्ट से बता रहा हूँ, मुझे बताया नहीं था पहले, लेकिन मैं आपको लास्ट से बता रहा हूँ। तो अब मेरा प्रोजेक्ट सब कुछ हो चुका है, हमने मौका और सब रिपोर्ट भी जनरेट कर ली है, HTML रिपोर्ट जो आप यूज़ करेंगे अपनी टीम में अपनी रिपोर्ट्स को शेयर करने के लिए, अपने आउटपुट को शेयर करने के लिए। वीडियोस फोल्डर के अंदर आपके सारे ही वीडियोस हो जाएंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं। आपकी जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर भी आपके वीडियोस
रहेंगे, और आपका जो टेस्ट के स्केल होगा उसका स्क्रीनशॉट जहाँ पे वो फेल हो रहा है वो भी रहेगा, प्लस वीडियो भी रहेगा, आप उसे डिबग कर सकते हैं या आप उससे भी रिपोर्ट में शो कर सकते हैं। अब पेजेस में आते हैं, तो पेजेस में बेसिकली हमें इसी नाम से ही हम बनाएं तो बेहतर होगा। जैसे हमारे पहले हम बना रहे हैं ड्रॉप डाउन के लिए, तो ड्रॉप डाउन डॉट सी वाई डॉट जे एस नाम से बनेगा। इसके अंदर भी हम रेफरेंस जो है वो लेंगे हम साइप्रस का, और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे कुछ फाइल्स को। हम बेसिकली यहाँ पे बनाएंगे एक क्लास और उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और उसके अंदर बनाएंगे हम डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट क्लास और क्या है ड्रॉप डाउन, तो हम ड्रॉप डाउन के नाम से ही क्लास बना लेते हैं। ये बस ये आपका इतना हो गया। अब आप इसके अंदर यहाँ पर आप बनाएंगे मैथड्स, तो हमारे ड्रॉप डाउन में क्या है विजिट ये था, ये हम उस कर चुके हैं, हमने इसको बिफोर में डाल दिया है। आप चाहे तो इसे भी बना सकते हैं, क्लासेस में डाउनलोड्स में है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बेसिकली हम इस चीज को यहाँ पर और करेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं वेरिएबल, वेरिएबल सिलेक्ट कर लेते हैं या वेरिएबल कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन का एलिमेंट, ड्रॉप डाउन एलिमेंट एक अच्छे पहले बनाते हैं क्लास ड्रॉप डाउन ये इस तरीके से, और लेट ड्रॉप डाउन इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया आपका ड्रॉप डाउन का। अब आप सेकेंड ले लीजिए यहाँ पर, ये हमारा ड्रॉप डाउन। अब यहाँ से फायदा क्या होगा, हमने इसको एलिमेंट यहाँ पे एक जगह बना लिया है मैथड के अंदर, अब हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए आपको इस पेज पे उसको कॉल करना होगा, है ना, तो आप करेंगे इम्पोर्ट एक सेकेंड, अब करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट ड्रॉप डाउन फ्रॉम, देखिए ऑप्शन ऑटोमेटिकली ले लिया, ठीक है। क्यों हम इंपोर्ट करें, ओके हमें ये क्लास चाहिए, हम इस क्लास को बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है, और वो ले लिया फ्रॉम पेजेस के अंदर ड्रॉप डाउन और सी वाई के अंदर जो पाथ है उसने अपने आप उसको ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका बना लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन इक्वल्स टू न्यू ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो आप इसको बनाने से क्या हुआ, इसको यूज करके हम इसके अंदर जितने ही मेथड्स हैं वो सभी हम कॉल कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना है, तो मुझे करना होगा ड्रॉप डाउन डॉट टू एग्जिस्ट, आप यहाँ पे भी वही सेम चीज कर देंगे, ड्रॉप डाउन यानी कि ये वाला वेरिएबल डॉट किया उस, तो इस क्लास के अंदर जो भी मेथड होंगे वो सभी इसके अंदर कॉल हो जाएंगे, और ये इस तरह यहाँ पे क्या हो गया ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्ट। अब इससे क्या होगा, अब इससे फायदा क्या, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि जैसे मान लीजिए अभी दो 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 टेस्ट केसेस है, मल्टीपल टेस्ट केस होते हैं, और आपने हर जगह इसको इस तरीके से बना के रखा है, तो आपको सारे टेस्ट केसेस में जाके जो है चेंजेस नहीं करने होंगे, आपको सिर्फ इसके ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर आप जाएंगे और आप वहां से इसका यहाँ पर भविष्य में मान लीजिए इसकी आईडी चेंज हो गई या इसको जो लोकेट कर रहे हैं आपको चेंज हो गया, सिर्फ आपको एक जगह पे चेंज करना होगा, और वो कम्प्लीटली जहाँ जहाँ भी आपने उस चीज़ को कॉल किया है वो आपका चेंज हो जाएगा। अब सेम चीज कर देते हैं फाइल डाउनलोड के साथ, फाइल डाउनलोड डॉट सी वाई डॉट जी एस,
आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम चीज यहाँ पर रेफरेंस, यहाँ पर लिख देंगे आप फाइल डाउनलोड या जो भी आप नाम से चाहते हैं क्लास बनाना, ठीक है। और क्या है, किस नाम से है ये, लैम्डा टेस्ट के नाम से, लैम्डा टेस्ट। यहाँ पे आप लिख दीजिए लैम्डा टेस्ट और यहाँ पर आप इसको इस तरह से कॉपी कीजिए और यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लैम्डा टेस्ट कर सकते हैं, लैम्डा लैम्डा अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। अब सेकंड बता लीजिए इसी तरीके से, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर, ये कौन सी फाइल से नाम दे देते हैं, इस स्क्रिप्ट के नाम से, स्क्रिप्ट, ठीक है। लेट स्क्रिप्ट इक्वल्स टू ये, तो यहाँ पर आपका बन गया। अब आप सेम चीज यहाँ पे कर लीजिए, एक इसको इंपोर्ट करिए। कैसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट फाइल डाउनलोड, जैसे करेंगे ऑटोमेटिकली ले लेगा। कॉन्स्टेंट ले लीजिए, बना लीजिए, फिर से आप ले रहे हैं वेरिएबल फाइल डाउनलोड इक्वल्स टू न्यू फाइल डाउनलोड, बस, ठीक है। अब यहां से आप इसको रिमूव कर दीजिए और अब आप देखेंगे फाइल डाउनलोड डॉट, जैसे दबाएंगे, दो मेथड थे इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर दो मेथड है, लैम्डा टेस्ट और स्क्रिप्ट के नाम से। देखिए यहाँ पर लैम्डा टेस्ट और स्क्रिप्ट के नाम से, तो हमें लैम्डा टेस्ट लेना है, लैम्डा टेस्ट, तो हमने लैम्डा टेस्ट ले लिया, हो गया। अब यहाँ पर सेम चीज करेंगे हम, फाइल डाउनलोड डॉट स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट के लिए डॉट। अब इससे क्या फायदा हो गया कि मान लीजिए सेम चीज है, आपको सिर्फ आईडी चेंज करनी है, तो आप आईडी जाकर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मल्टीपल चीजों के मेथड्स बना बनाकर उस चीज को कॉल करते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या है, तो आपकी कोड रीयूजिबिलिटी आपकी अच्छी है और प्लस आप कोड को इजीली मैनेज कर पा रहे हैं। अब देखिए आपका टेस्ट केस देखने में अच्छा लग रहा है, आप फाइल देखें, यहाँ फाइल है वो देखने में बस सॉर्टेड लग रही है। आपको अगर आप इस पे क्लिक कंट्रोल दबा क्लिक करेंगे, आप वापस से इसके रेफरेंस जहां पर भी एक क्लास बनाई गई उसके अंदर आप लैंड कर जाएंगे, उस मेथड पे लैंड कर जाएंगे और उस मेथड को अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपका आईडी चेंज है तो आईडी चेंज कर सकते हैं आप, या जो भी चेंजेस हैं तो आप कर सकते हैं। वहां पर मुझे बार बार जहां पर लिखना पड़ रहा था सेम चीज को, मान लीजिए हम कई टेस्ट में किसी एक वैल्यू को हम मल्टीपल टेस्ट में कॉल कर रहे हैं और बार बार आप चीज को लिख रहे हैं और मान लीजिए भविष्य में आपको वो चीज वैल्यू चेंज करनी पड़े, तो आपको हर टेस्ट केस में जाके चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट फॉलो करने से क्या होगा, आपको वो चीज वहां पर सिर्फ एक जगह चेंज करनी है और वो हर जगह पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सारा चीजें कर सकते हैं। सो इतना ही रखते हैं इस प्रोजेक्ट में। मेरे अकॉर्डिंगली मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सब टॉपिक क्रिएट करके बताऊं और जितना, और मेरे अकॉर्डिंगली मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई भी टॉपिक छूटता है सार्टिलस पे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और ये प्रोजेक्ट जॉब रेडी प्रोजेक्ट है, तो इंडस्ट्री में इसी तरीके से काम होता है और इसमें आपको रिपोर्ट जनरेशन भी है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भी है, किस तरीके से आप एक ही अपने सूट्स को वन बाय वन सीक्वेंस में रन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और बाकी के जो मेरे वीडियोज़ हैं उसमें भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स टिप्स दी हैं और मल्टीपल टाइप के टेस्ट केसेस को भी मैंने कवरअप किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सूट को, इस तरीके के सूट को आप 3-4 सूट्स और बनाएंगे और अपनी सीवी में ऐड करेंगे, क्योंकि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं आपको जॉब दिलाने में यही हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चैनल आपको पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।